नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर गुरुवार तड़के यानी आज सुबह मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रही एक ट्रक ने आगे चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। परिणाम स्वरूप ट्रक का चालक घायल हो गया और थोड़ी ही देर में भीषण जाम लग गया। जाम और सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से सुबह 9 बजे नेशनल हाईवे पर यातायात को बहाल किया गया। पुलिस का दावा है कि ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। बाबूगढ़ थाना प्रभारी अभिनव सिंह पुंडीर ने बताया कि गुरुवार की सुबह मुरादाबाद से दिल्ली की ओर एक ट्रक जा रहा था। कुचेसर चौपला स्थित फ्लाईओवर पर अचानक चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से आगे चल रहे दूसरे वाहन में ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जहां चालक घायल हो गया, वहीं नेशनल हाईवे 9 पर यातायात ठप हो गया। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।